जिसकी आंखों के सामने हुआ यह हादसा, जिसने हादसे में बचाई कई लोगों की जान, भगदड़ में वो खुद भी हो गई घायल। जी हां, हाथरस में 2 जुलाई को हुई भगदड़ में 123 जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी हैं। इस हादसे से बचकर जो लोग घर पहुंचे वो भगवान का शुक्र मना रहे हैं, लेकिन आज भी उनके जहन में यह हादसा पूरी तरह से जिंदा है और वो शायद इस हादसे को पूरी जिंदगी कभी न भूल पाए। इस हादसे में कई लोग घायल भी हुए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, और इन्हीं घायलों में से एक हैं हादसे के समय मौके पर सुरक्षा ड्यूटी में तैनात उत्तर प्रदेश पुलिस की कांस्टेबल शीला मौर्य, जिन्होंने अपने सामने सब कुछ होते देखा, लोगों की चीख सुनी, एक एक पर गिरते हुए लोगों को देखा। इस दौरान शीला मौर्य ने अपनी जान पर खेलकर कई लोगों की जान बचाई, लेकिन भीड़ इतनी थी कि ये खुद भी इस भीड़ में दब गई, लेकिन गनीमत रही कि इनकी जान बच गई। शीला मौर्य के मुताबिक जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त वो मंच के सामने तैनात थी। आयोजन समाप्त होने के बाद वहाँ बहुत भीड़ थी, अचानक ही लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। इस समय मौके पर कई महिलाओं की मदद की, लेकिन इस दौरान वो खुद भी वहीं गिर गईं, जिसकी वजह से उन्हें गंभीर चोट आई। आप भी सुनिए शीला मौर्य ने मौके पर क्या देखा और वहाँ कैसे हालात थे। हमारी ड्यूटी वहीं पे थी मंच के सामने, तो प्रोग्राम समाप्त होने के बाद भीड़ बहुत निकली, काफी भीड़ थी, और उसके बाद गर्मी बहुत थी, भीड़ एक के ऊपर एक भीड़ चढ़ने लगी, गिरने लगी, महिलाएं ज्यादा थी। मैं रोड पे आके मैंने काफी महिलाओं को उठाया भी, फिर मैं भी गिर गई उस भीड़ में, मेरे काफी चोट आई। क्या लग रहा है, ये हादसा क्यों हुआ, क्यों इतनी भगदड़ मची, काफी लोगों को वो भीड़ ज्यादा थी, और सारी भीड़ प्रोग्राम समाप्त के बाद एक ही साथ निकलने लगी सारी। एक चीज लोगों के निकलने का क्या रास्ता एक ही था जिसकी वजह से कीचड़ था? हाँ, बारिश हो रही, कीचड़ तो था ही वहाँ पे, वहाँ खेत था ना, वहाँ पे पंडाल जो लगा था खेत में, फोटो वगैरह खींचने भी नहीं देते थे? पता नहीं, मेरी तो आगे ड्यूटी थी ना, तो देख नहीं पाए फोटो। आपको कितनी चोट लगी, गंभीर चोट लगी है? वहाँ पे आपने क्या नजारा देखा उस समय पे जब ये हो रहा था, आपने क्या कुछ देखा? उस समय तो बचाने में ही लगे थे, नजारा क्या, इतना होपलेस ही हो रहे थे कि पब्लिक को उठाऊं, जो महिलाएं गिर रही थी उठाया काफी महिलाओं को, फिर गिरती जा रही, मैं भी गिर गई। कितना मुश्किल था उस समय सर्वाइव करना? बहुत ज्यादा मुश्किल था, काफी संख्या में गिर रहे थे लोग। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आपसे मुलाकात की, क्या कुछ बात हुई? यही पूछा था, घटना के बारे में बताया था, किस तरह से जो आपको बताया वही बताया। आप काफी लंबे समय से उत्तर प्रदेश पुलिस में सर्विस कर रहे, क्या लगता है जो पूरी घटना का वो जिम्मेदारी कौन था, तो क्या कहां गलती हुई जो इतना बड़ा हादसा? अब गलती कहां बताऊं मैं, प्रबंध नहीं। हाँ, पब्लिक ज्यादा थी, उन्होंने परमिशन कम ली। वही हादसे के बाद सीएम योगी हाथरस पहुंचे और अस्पताल में भर्ती मरीजों का हालचाल भी जाना। इस दौरान सीएम योगी ने कांस्टेबल शीला मौर्य से भी मुलाकात की और उनसे तबीयत के बारे में जाना। वैसे यह हादसा हो चुका है जिसमें कई लोगों ने अपनों को खोया, तो कुछ लोग अस्पताल में ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है कि इस हादसे के जिम्मेदार को सरकार जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उसे सख्त से सख्त सजा दे, जिससे इस तरह के हादसों को रोका जा सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।